नमस्कार साथियों, परिष्कार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं धर्मेंद्र फौजदार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारी सीटी को लेकर जो सीरीज आगे बढ़ रही है, उस सीरीज में अगला जो पार्ट है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का, वो लेके मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को अड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ। आज की क्लास होगी और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके आगामी जो एग्जाम है उसमें आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आपका पहला जो प्रश्न है आज की सीरीज का वो आपके सामने होगा। तो पहला जो प्रश्न आज की सीरीज का हम देखते हैं, तो इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर एक जो है वो क्या कहता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट आज की इस सेशन का वो है कि जो दक्षिणाचार और वामाचार किस संप्रदाय की शाखा है, यानी कि यहाँ पूछा गया है कि राजस्थान के जो संत और संप्रदाय है उन संत और संप्रदायों में से कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसकी दो शाखाओं के नाम दक्षिणाचार और वामाचार है। तो इनमें से ऑप्शन ए है शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, रामानुजन संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, या ऑप्शन ही है अनुत्तरित प्रश्न। तो याद रखिएगा बेटा, पहला जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी शाक्त संप्रदाय की ये दो शाखा है। ये जो शाक्त संप्रदाय है ये शक्ति से संबंधित है प्यारे साथियों, और इसमें जैसे हम बात करें तो दुर्गा पूजा, ठीक है ना। तो ऐसा संप्रदाय जिसमें शक्ति को प्रधानता दी गई है, दुर्गा पूजा की जाती है, वो संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता है। और दक्षिणाचार और वामाचार जो है वो इसी संप्रदाय की शाखाएं मानी जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर इसका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं आज की सीरीज में और अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन जो है उसको अपन देख लीजिएगा कि संत मावजी के उपदेशों को क्या कहा जाता है। तो पहली बात तो बेटा यहाँ पर ये आती है कि संत मावजी जो हैं इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था और इनके द्वारा चलाया जाने वाला जो संप्रदाय है वो है प्यारे साथियों निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय इन्होंने चलाया है? तो इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया वो संप्रदाय कौन सा संप्रदाय चलाया गया है? तो निष्कलंक संप्रदाय जो है, उस निष्कलंक संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी वो संत मावजी के द्वारा की गई थी। और निष्कलंक संप्रदाय जो है उससे, यानी कि आपको यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और वो पूछा गया है कि निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक जो है संत मावजी, इनके जो उपदेश हैं इनके उपदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर ध्यान रखना है बेटा, देखो तो संत मावजी के जो उपदेश हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? चोपड़ा कहते हैं। ये जो चोपड़ा है ना, ये संत मावजी का एक हस्तलिखित ग्रंथ है, ठीक है। इनके द्वारा एक हस्तलिखित ग्रंथ माना जाता है, संत मावजी का है ये चोपड़ा नामक ग्रंथ। और इस बारे में बताया जाता है कि इस चोपड़ा नामक ग्रंथ को दीपावली के दिन, कब की बात है? दीपावली, ठीक है, कि इसको दीपावली के दिन मंदिर में दर्शन के लिए रखा जाता है। याद रखिएगा ना, तो दीपावली के दिन मंदिर में दर्शन के लिए रखा जाता है, केवल इसी दिन इसके दर्शन कराए जाते हैं चोपड़ा नामक ग्रंथ के। और ये लिखा है किसके द्वारा? संत मावजी के द्वारा, जिसमें संत मावजी के उपदेशों का संकलन किया गया है। और ये संत मावजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंक। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और बेटा अगला प्रश्न है आपका कि कौन से लोक देवता है जिनके अनुयायी आज भी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं। तो कौन सा लोक देवता है राजस्थान में जिसके जो अनुयायी हैं वो आज भी अपने विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? तो बेटा ऑप्शन आपके सामने है, गोगा जी, कल्ला जी, बाबू जी, रामदेव जी, अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन से लोक देवता है बेटा? तो याद रखिएगा बाबू जी। पहली बात तो बाबू जी के बारे में अपन बातें करते हैं, तो देखो ये जो बाबू जी है, जन्म हुआ था बेटा कोलुमंड में, ठीक है ना, कि इनका जो जन्म हुआ वो कहां पे हुआ? कोलुमंड फलौदी में इनका जन्म हुआ था बाबू जी का। इनके कई सारे उपनाम हैं, याद रखिएगा इन्हें उपनाम अगर अपन बात करें तो इन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है, ऊंटों का देवता, ठीक है ना, कि बाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। बाबू जी को बेटा लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं, ठीक है। और बाबू जी जो है बेटा, इस बाबू जी ने
अपने बहनों जींदराब खींची के साथ युद्ध किया और जींदराब खींची से युद्ध करते हुए गाय छुड़ाई थी जींदराब खींची, ठीक है, और अपने बहनों जींदराब खींची के साथ युद्ध किया था डेचू नामक स्थान पे, और युद्ध करते हुए बेटा इन्होंने गाय छुड़ाई थी। और जब ये युद्ध हुआ था तो इस समय बाबूजी अपने विवाह के लिए गए हुए थे और बाबूजी के फेरे हुए थे और 3.5 फेरे हुए थे। तब तक बाबूजी के पास जो घोड़ी थी वो हेने ना जाती है, और देवल चारणी की जो गाय थी उनको जब जींदराब खींची ले जाता है तो उसके साथ युद्ध करने के लिए बाबूजी अपने 3.5 फेरे ही छोड़कर युद्ध के लिए आ जाते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। और आज भी बाबूजी के जो अनुयायी हैं बेटा वो अपने विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि बाबूजी है। अगला प्रश्न क्या कहते हैं इसके बारे में बातें करें बेटा, तो किस देवी ने नीम के वृक्ष के नीचे अखंड ज्योति की स्थापना कर सिरभी पंथ चलाया था? तो याद रखना बेटा सिरभी पंथ किसके द्वारा चलाया गया है? आई माता के द्वारा चलाया गया। तो सिंपल सी बात है कि कौन सी ऐसी लोक देवी है जिसने नीम के वृक्ष के नीचे, तो ये भी ध्यान रखना है कि आई माता के जो थान होते हैं वो कौन से वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, नीम वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। तो नीम वृक्ष के नीचे अखंड ज्योति की स्थापना की थी और सिरभी पंथ चलाया था, वो लोक देवी कौन सी है? आई माता। ये जो आई माता है, इस आई माता के बारे में अगर बातें करें तो बेटा इनसे एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि इनके मंदिर में जो दीपक है ना, ये जो ज्योति है दीपक है, इस दीपक की लौ से, ठीक है, कि दीपक की लौ से केसर टपकती है, याद रखिएगा बेटा ना कि दीपक की लौ से केसर टपकती है। और ये भी कौन सी लोक देवी का ही प्रश्न आता है, आई माता का। सिरभी जाति जो है इसकी कुलदेवी मानी जाती है, सिरभी जाति, ठीक है, कि सिरभी जाति जो है इसकी कुलदेवी है ये आई माता। और आई माता के बारे में बताया जाता है कि आई माता एक ऐसी लोक देवी मानी जाती है कि इनके मंदिर में गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश निषेध होता है, ठीक है ना, कि गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो प्रवेश निषेध रखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर इसका आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो नए बैचों के बारे में जानकारी है थोड़ा, पीएसआई के जो अपने नए बैच है वो परिष्कार जो इंस्टीट्यूट है रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा रोड रिद्धि सिद्धि जो चौराया है इस पे अपना जो इंस्टीट्यूट है वो संचालित है। पीएसआई के एक बैचों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की अगर आपको तलाश है तो आप पीएसआई के लिए अपने अंतिम सिलेक्शन के लिए जुड़ सकते हैं परिष्कार शिक्षण संस्थान के साथ में, ठीक है। तो आप बिल्कुल जुड़िए परिष्कार के साथ में और अपना जो वर्दी का सपना है उसको स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में अपन बातें करते हैं। देखो नानूलाल राणा और धूलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं? तो नानूलाल राणा और धूलिया राणा बेटा कौन सी के हैं? तो राजस्थान में जो ख्याल लोकनाट्य है उनके प्रवर्तक हैं। तो इनका जो संबंध है नानूलाल का और धूलिया राणा का बेटा वो किससे है? चिड़ाबा ख्याल से। तो याद रखना नानू राम चिड़ाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो चिड़ाबा ख्याल जो चिड़ाबा जो क्षेत्र है उसके आसपास में प्रचलित है और इसके प्रवर्तक और प्रसिद्ध कलाकार जो है वो नानूलाल राणा और धूलिया राणा माने जाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम कि किस वाद्य यंत्र की बनावट, ये आपके राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों से प्रश्न आ गया, किस वाद्य यंत्र की बनावट जो है वो गाय की पूंछ की तरह होती है? तो अब इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसकी जो आकृति है वो गाय की पूंछ की तरह होती है और इसमें 4 छेद होते हैं बेटा? तो उसमें वाद्य यंत्र की विशेषता भी बताइए कि इस वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? 4 छेद होते हैं। तो कौन सा वाद्य यंत्र है? मशक है, नड है, नागफणी है, मुरला है। तो बेटा याद रखेंगे नड, कौन है? नड। नड जो होता है याद रखिएगा एक गाय की पूंछ की तरह ही इसकी आकृति होती है, 4 छेद होते हैं। और बेटा नड के प्रसिद्ध कलाकार जैसलमेर के करणा भील, ध्यान रखना कि जैसलमेर के करणा भील जो हैं ये नड के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। याद रखिएगा बेटा ये जो नड है, नड 4 छेदों वाली एक बांसुरी के समान आकृति का होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। भीलों का प्रमुख वाद्य यंत्र, भीलों का पूछा बेटा
कि भीलों का प्रमुख वाद्यंत्र जैसे गबरी या राई नृत्य के समय, यानी कि गबरी या राई एक ही नृत्य है, ठीक है, गबरी को राई कहा जाता है, और गबरी या राई नृत्य के समय बजाया जाता है, तो कौन सा नृत्य है वो? मृदंग है, नौबत है, मादल है, धोसा है या अनुतृत। तो बेटा ध्यान रखना, गबरी या राई नृत्य के समय में भीलों के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मादल जो वाद्य यंत्र होता है एक सकोरे नुमा आकृति का होता है, एक जैसे कटोरा होता है, एक सकोरे नुमा आकृति का एक वाद्य यंत्र होता है जिसके ऊपर खुले हुए भाग पर चमड़ा मढ़ा दिया जाता है और चमड़े मढ़कर यानी कि उसे बनाया जाता है और नृत्य करते समय उसे बजाया जाता है, वो वाद्य यंत्र कौन सा है? मादल वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, कृष्ण नृत्य के समय शेठ शेठानी, डाकी डाकन, शिव पार्वती, राम कृष्ण, सरदार आदि स्वांग किए जाते हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है बेटा स्वांग किए जाते हैं, तो ये लोक नाट्यों से ही प्रश्न है और लोक नृत्यों के साथ साथ आ रहा है। तो कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें इनके स्वांग किए जाते हैं या इनके जो नाटक है वो नाटक जो है उनका प्रदर्शन किया जाता है? तो चंग नृत्य के समय, बिंदुरी नृत्य के समय, गीदड़ नृत्य के समय, लुम्बर नृत्य या अनुतृत। प्रश्न तो या प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो गीदड़ नृत्य है। याद रखिएगा, गीदड़ नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? ये इस राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में। ध्यान रखना कि गीदड़ जो नृत्य है वो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में यानी कि किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे हम अगर चर्चा करते हैं तो अगला प्रश्न आज की सीरीज का क्या है उसको अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा जैसलमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाता है? तो यहाँ गाया जाता है, तो यहाँ प्यारे साथियों गीत से प्रश्न है कि कौन सा ऐसा गीत है जो जैसलमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में पति के वियोग में, यानी पति जब प्रदेश चला जाता है तो पति के प्रदेश जाने के वियोग में जो गीत गाया जाता है जैसलमेर में, बेटा वो कौन सा गीत गाया जाता है? याद रखना, जोराबा गीत है। जोराबा गीत राजस्थान के गीतों में कौन सी श्रेणी में आता है? तो राजस्थानी गीतों में ये बेटा गीत आता है वियोग गीतों में। कौन से गीतों में आता है? वियोग गीतों में आता है। बिछड़ने के जो प्रयोग में जो गीत होते हैं उन्हें वियोग गीत कहा जाता है, और वियोग गीत राजस्थान के जैसलमेर और पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा बेटा? जोराबा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका भी राइट आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न जो है ये आ चुका है, तो ये प्रश्न के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। चलिए अगले बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्या दे रखा है अपन, यानी कि परिष्कार शिक्षण संस्थान के द्वारा, एक तो डिप्टी जेलर का जीके प्लस हिंदी और पीएसआई यानी कि फर्स्ट पेपर पूरा जीके और हिंदी के साथ में, नए बच्चों का जो प्रारंभ है वो कर दिया गया है। सोमवार से नए बच्चे जो है वो रनिंग स्थिति में, तो आप बिल्कुल यानी कि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो पीएसआई और डिप्टी जेलर के एक बेहतरीन बैचों का प्लेटफॉर्म जो है वो आपको परिष्कार के साथ में मिल सकता है। तो बिल्कुल बेझिझक आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मांगड़िया जाति की महिला संगीतकार जिसे थार की लता भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि मांगड़िया जाति की वह महिला संगीतकार जिसे थार की लता कहते हैं वो कौन है? तो थार की लता किसे कहा जाता है? तो रुकमा देवी को कहा जाता है, अकला देवी को कहा जाता है, गबरी देवी को कहा जाता है, अर्चना देवी को कहा जाता है, अनुत्तरित प्रश्न है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा कि थार की लता जो है वो किसे कहते हैं अपन? रुकमा देवी को थार की लता के नाम से जाना जाता है। मांगड़िया जाति की यानी कि एक महिला संगीतकार कलाकार है रुकमा देवी। ये सभी जो है, रुकमा देवी, अकला देवी, ये सभी मांगड़िया जाति की कलाकार है, ठीक है, और संगीत से संबंधित जनजाति है, और संगीत से संबंधित जो जनजाति है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण इनको एक उपाधि मिली हुई है कि थार की लता जो है वो कहते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए तो राइट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चर्चा करें तो आज की सीरीज में अगला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे यहां आता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
कि कौन सा नृत्य है राजस्थान में जिसे मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मंगलमुखी नृत्य कौन से को कहते हैं बेटा? देखो, घूमर नृत्य को, कथक नृत्य को, भवाई नृत्य को, गरबा नृत्य को, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि मंगलमुखी जो नृत्य बोला मांगा जाता है वो कौन सा माना जाता है? ये जो कथक नृत्य है, ठीक है, यानी कि इसे अपन किस नाम से जानते हैं? राजस्थान में मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसमें, तो ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपके सामने है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि श्रृंगार हार नामक जो संगीत ग्रंथ है, ठीक है, कि श्रृंगार हार नामक जो संगीत ग्रंथ है उसकी रचना किसने की, जिसमें मेल राग पद्धति का विवरण प्रमुख रूप से लिखा गया है। तो बेटा पूछा गया है इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार हार ग्रंथ के रचनाकार पूछा गया है तो सारंगदेव है, हम्बीरदेव चौहान है, महाराणा कुंभा है, महाराजा अनूप सिंह, या अनुत्तरित प्रश्न। श्रृंगार हार के बारे में जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो श्रृंगार हार हम्बीरदेव चौहान की रचना है। किसकी रचना है? श्रृंगार हार जो है वो हम्बीरदेव चौहान की रचना मानी जाती है। तो याद रखना कि श्रृंगार हार किसकी रचना है बेटा? ये हम्बीरदेव चौहान की रचना है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किशन लाल शर्मा को, कुंदन लाल मिस्त्री को, ज्योति स्वरूप शर्मा को, नरोत्तम शर्मा को। तो बेटा यहाँ पे आधुनिक चित्रकला का जनक पूछा जा रहा है। तो राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। यहीं पर अगर प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए, राजस्थान में चित्रकला का जनक, ठीक है, तो फिर आपका जो आंसर है ना ये अलग आ जाएगा। यहां आधुनिक चित्रकला पूछा है तो कुंदन लाल मिस्त्री है, और यहां पे चित्रकला का जनक पूछा जाए तो राजस्थान में चित्रकला का जनक है बेटा महाराणा कुंभा। किसे माना जाता है? राजस्थान में चित्रकला का जो जनक माना जाता है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है, और आधुनिक चित्रकला का जो जनक है वो किसे कहते हैं? कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका यानी कि करेक्ट आंसर हमको मिल जाता है कि आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो कुंदन लाल मिस्त्री को दिया गया है। तो ये आसान से प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल, आप इनको अच्छे तरीके से याद करिएगा, ठीक है, कई हद तक यानी कि आपको ये जो प्रश्न है बार बार पुनरावृत्ति में आपको एग्जाम्स में मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है, उससे पहले अगर बात करें तो देखो बेटा, ग्रेड शिक्षक के जो बैच हैं वो परिष्कार शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, ठीक है, और सोमवार से जो नए बैच हैं उनका प्रारंभ किया जा रहा है। तो इसके लिए भी अगर आप में से कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट परिष्कार के साथ शिक्षक भर्ती के लिए जुड़ना चाहता है तो वो जल्दी से ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप यानी अधिक जो जानकारी है वो अपने बैच संबंधित जो जानकारी है वो बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं, टेस्ट इस अपनी जो सीरीज चल रही है इसका, और अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि मेवाड़ के किस राणा ने राजमहल में चित्रों की ओबरी, ठीक है ना, कि राजमहल में चित्रों की ओबरी, इसे अपन चितेरों की ओबरी कहते हैं बेटा, इसे किस नाम से जाना जाता है? चितेरों की ओबरी, ठीक है, कि राजमहल में चितेरों की ओबरी नामक जो कला विद्यालय खोला था वो किसके शासनकाल में खोला गया था, या कौन से राणा ने खोला था? तो जगत सिंह प्रथम के समय में खोला गया है, अमर सिंह प्रथम के समय में, संग्राम सिंह द्वितीय, या जगत सिंह द्वितीय के समय में चितेरों की ओबरी नामक कला विद्यालय खोला गया। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जगत सिंह प्रथम के शासनकाल की बात है, और जगत सिंह प्रथम का जो शासनकाल है ये मेवाड़ जो चित्रशैली है, इस मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल जो है ये भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा ना। तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल भी जगत सिंह प्रथम का शासनकाल है, और इन्होंने ही उदयपुर में चितेरों की ओबरी नामक कला विद्यालय खोला था। और बेटा इसी चितेरों की ओबरी नामक कला विद्यालय को वर्तमान में तस्वीरा
कारखाना, ठीक है, कि इसे वर्तमान में किस नाम से भी जाना जाता है, इसे तस्वीरा रो कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थापना हुई किसके शासनकाल में, जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि अगला जो प्रश्न है आपका वो है चोखा और बगता। चोखा और बगता नामक प्रसिद्ध चित्रकारों का जो संबंध है वो किस शैली से है। तो फटाफट से आप यहाँ पे आंसर देंगे कि चोखा और बगता का जो संबंध है वो कौन, प्रसिद्ध चित्रकारों का जो संबंध है वो कौन सी शैली के चित्रों से है, यानी कि चाबंड शैली से है या देवगढ़ शैली से है या नाथद्वारा शैली से है या उनियारा शैली से है। तो प्यारे साथियों इनमें से कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसका संबंध जो है चोखा बगला का जो संबंध पूछा गया है वो यानी कि किससे संबंधित। तो फटाफट से यानी कि आप बताएंगे कौन सी शैली से, चाबंड शैली से, देवगढ़ शैली से, नाथद्वारा शैली से है या फिर उनियारा शैली से। तो याद रखना चोखा बगता, ठीक है, तो चोखा है बगता है इनका जो संबंध बेटा वो देवगढ़ चित्र शैली से माना जाता है। ये जो देवगढ़ चित्र शैली है ये मेवाड़ स्कूल, ठीक है ना, कि जो मेवाड़ स्कूल है इस मेवाड़ स्कूल की उपशैली मानी जाती है। मेवाड़ शैली की उपशैली है देवगढ़ शैली और इस देवगढ़ शैली के चित्रकारों के नाम है चोखा और बगता। तो चोखा और बगता चित्रकारों का संबंध किससे हो गया, देवगढ़ शैली से। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है उस पर अपन बात करेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बात तो ये ध्यान रखना ये टॉप मोस्ट प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि भारत सरकार ने देवनारायण जी, जो लोक देवता है देवनारायण जी, कि देवनारायण जी की फड़ पर, यहाँ पे अपन फड़ लिख सकते हैं, कि देवनारायण की फड़ पर डाक टिकट कब जारी किया था। तो याद रखिएगा कि देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर डाक टिकट कब जारी किया गया था, कि 2 सितंबर 1918 को, 2 सितंबर 1992 को, 4 मार्च 93 को, 5 सितंबर 94 को, अनुत्तरित प्रश्न। तो बेटा ध्यान रखिएगा देवनारायण जी की फड़ पर जो डाक टिकट जारी किया गया था वो 2 सितंबर 1992 को किया गया था। ये जो देवनारायण जी की जो फड़ है बेटा ध्यान रखना, इस फड़ का जो वाचन किया जाता है ना वाचन, और देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन सी जाति के लोग करते हैं, गुर्जर जाति के लोग करते हैं पहली बात तो, और इस फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो इस फड़ का वाचन राबड़ हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और ये जो देवनारायण जी की फड़ है ये सभी लोक देवताओं की सभी फड़ों में ध्यान रखिएगा सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे पुरानी जो फड़ मानी जाती है वो फड़ कौन से लोक देवता की मानी जाती है, देवनारायण जी की। लंबी छोटी बड़ी पुरानी ये जो फड़ है देवनारायण जी की है। सबसे छोटी फड़ का जो आकार है ना वो यही आकार है जिस पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया था। एक डाक टिकट के रूप में छोटी सी फड़ जारी हुई 2 सितंबर 1992 को, वो फड़ का आकार इनकी फड़ का सबसे छोटा आकार माना जाता है, ठीक है ना। तो ये देवनारायण जी की फड़ पे डाक टिकट जारी हुआ 2 सितंबर 1992 को, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। तो अगले प्रश्न पे हम आगे बढ़े और अगला प्रश्न क्या कहता है आज की इस सीरीज का, कि डूंगरपुर का जेठाना जो गाँव है, कौन सा गाँव, जेठाना गाँव, ध्यान रखिएगा कि डूंगरपुर का जो बेटा जेठाना गांव है वो कौन सी कला के लिए, ठीक है, कि कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है। तो फटाफट से आप बता सकते हैं इसका आंसर कि जो डूंगरपुर का जो जेठाना गांव है वो कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रमकड़ा, काष्ठकला, फड़ चित्रण और गोदना, तो कौन सी कला है जो डूंगरपुर के जेठाना गांव की आती है। तो ध्यान रखिएगा जेठाना गांव, जो डूंगरपुर का जेठाना गांव बेटा वो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है, काष्ठ कला के, यानी कि लकड़ियों की जो खिलौने बनते हैं, लकड़ियों की मूर्तियां जो बनती हैं, तो काष्ठ कला के लिए डूंगरपुर का जेठाना गांव जो है वो यानी कि आपका इस
लकड़ी की कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है कि डूंगरपुर का जो जेठाना गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। इसमें इससे पहले अपन बात करें तो नए जो बैच हैं पटवार के हैं, सीईटी के हैं, एलडीसी के हैं, इन बैचों का प्रारंभ जो है वो कर दिया गया है। और इन बैचों का प्रारंभ अपन बात करेंगे तो सीईटी, पटवार और एलडीसी के नए बैच जो प्रारंभ है बेटा, वो सोमवार से आपके यानी कि परिष्कार वर्ल्ड के जो अपना ऑफलाइन का जो कोर्स है, वो ऑफलाइन जो शिक्षण संस्थान है रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर में, ठीक है, गोपालपुरा बाईपास के पास में, तो वहां पे कर दिया गया है। और आप बेझिझक होके अच्छी क्वालिटी पढ़ाई के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए आप यानी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे आज की सीरीज में। तो ये नए जो बैच हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। पीएसआई के बैच हम पहले अभी यानी कि स्टार्ट कर चुके हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। उसके अलावा ग्रेड के जो बैच हैं वो पीएसआई में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों में आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। सीईटी, पटवार और एलडीसी के बैचों का भी प्रारंभ जो बेटा वो कर दिया गया है, और आप कंफर्म करने के लिए इस मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या कहता है इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक रचना है ललित विग्रह राज, और ललित विग्रह राज के जो रचयिता है वो है सोमदेव, और सोमदेव जो है वो किस शासक के दरबार में थे? तो सोमदेव पृथ्वीराज प्रथम के दरबार में थे, अर्णो राज के दरबार में थे, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे, सोमेश्वर के दरबार में थे, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि सोमदेव किसके दरबारी कवि थे, तो सोमदेव किसके दरबारी कवि हैं? विग्रहराज चतुर्थ के। ये जो विग्रहराज चतुर्थ है इन्हें हम बीसल देव चौहान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बीसल देव चौहान, ठीक है ना, कि इन्हें बीसल देव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है, इन्हीं के दरबारी कवि हैं। इनके दरबारी कवियों में एक तो अपन बात करें तो बेटा देखो सोमदेव आ जाते हैं, सोमदेव, ठीक है, कि सोमदेव जो है वो किनके दरबारी कवि हैं? सोमदेव जो है वो बीसलदेव चौहान के ही दरबारी कवि माने जाते हैं, और रचना जो है वो इनकी कौन सी आ जाती है? ललित विग्रह राज के जो रचयिता हैं वो किस के दरबारी कवि हैं? तो विग्रहराज चतुर्थ के। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका यानी कि आपको राइट आंसर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। उद्योतन सूरी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है, कि उद्योतन सूरी के द्वारा 778 ईस्वी में रचित को बालमाला में कितनी बार कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, और ग्रंथ जो लिखा है उस ग्रंथ को यहाँ पे अपन सही कर सकते हैं, और ग्रंथ है बेटा कुबलय माला, ठीक है ना, कुबलय माला, कोई बात नहीं, चलते हैं। ये ग्रंथ का नाम कि यानी कि उद्योतन सूरी द्वारा 778 ईस्वी में रचित ग्रंथ का नाम है कुबलय माला, और इस कुबलय माला में कितनी देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा 18 का है, 13 का है, 21 का है, 108 का है। तो बेटा 18 जो देशी भाषाएं हैं, इन 18 देशी भाषाओं का उल्लेख जो किया गया है वो कौन से ग्रंथ में किया गया है? कुबलय माला में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको मिल जाता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में चर्चा करता हूं, कि प्रति वर्ष राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे बेटा राजस्थानी भाषा दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 21 फरवरी को, या 14 सितंबर को? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, राजस्थानी भाषा दिवस पूछा जा रहा है, तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, और 14 सितंबर के दिन कौन सा दिवस मनाता है? हिंदी भाषा दिवस, ठीक है ना, कि ये जो हिंदी दिवस मनाया जाता है ये तो मनाया जाता है 14 सितंबर को, और राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, किस साहित्य को राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य कहा जाता है? तो राजस्थानी साहित्य का प्रधान साहित्य इनमें से कौन सा साहित्य है? कि प्रधान साहित्य निम्न में से पूछा है, तो चारण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य, जैन साहित्य, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो फटाफट से आप यानी कि इसका आंसर दे सकते हैं कि कौन सा ऐसा साहित्य है जिसे राजस्थानी भाषा का
प्रधान साहित्य कहा जाता है, तो प्रधान साहित्य किसको कहा जाता है? चारण साहित्य को कहा जाता है। अधिकांशतः जो रचना है वो इसी साहित्य में आपको मिलेंगे, ठीक है ना, राजस्थानी भाषा के में। तो राजस्थानी भाषा का प्रधान साहित्य ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आ जाता है बेटा, चारण साहित्य, ठीक है ना। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि रामायण की राजस्थानी भाषा में रचना किसने की है। तो रामायण पूछा है बेटा यहाँ पे, देखो रामायण जो है अब वो रामायण वाल्मीकि ने लिखी, ठीक है। उसके अलावा अगर बातें आ रही हैं यहाँ पे कि राजस्थानी भाषा में रचना किसके द्वारा की गई है, तो राजस्थानी भाषा में रचना हनुमंत किंकर ने की है, कवि सूदन ने, राम कवि ने, अशोक शुक्ल ने। तो याद रखना प्यारे साथियों, हनुमंत किंकर के द्वारा राजस्थानी भाषा में रामायण की रचना की गई है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है आपके लिए, इससे आप यानी कि इसको अपने नोट्सों में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न क्या कहता है, यानी इससे पहले सीईटी यानी ग्रेजुएशन लेवल 10th और लेवल ये जो है, ये यानी कि नए जो बैच है आगामी सीईटी के लिए, ये अभी से स्टार्ट किए जा चुके हैं। इनके लिए भी आप परिष्कार शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और इस क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले अच्छे से, और उसके बाद अपन आंसर देंगे। चलो इसको पढ़ते हैं पहले, और पढ़ लेना पहले इसको, और उसके बाद आप बात करेंगे इस पे। देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझते पहले। कवि दुर्सा आड़ा की किस रचना में महाराणा प्रताप के काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुर्सा आड़ा की कौन सी ऐसी रचना है जिसमें महाराणा प्रताप के काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन है। किरतार बाबड़ी है, विरुद्ध क्षेत्रीय, बुद्धि बिलास है, ने तरंग है। तो बेटा याद रखना विरुद्ध क्षेत्री कौन है, विरुद्ध क्षेत्री। और ये एक रचना है जो किसकी रचना है, ये रचना दुर्सा आड़ा की रचना है, और दुर्सा आड़ा ने इस रचना में महाराणा प्रताप की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया है। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने, ध्यान रखिएगा कि राजस्थान सरकार ने क्षति निवारण अधिनियम कब पारित किया था। तो राजस्थान सरकार, देखो यहाँ राजस्थान सरकार की बात आ रही है कि राजस्थान सरकार ने क्षति निवारण अधिनियम कब पारित किया था। भारत में तो यह क्षति निवारण अधिनियम कब पारित हो गया था, भारत में बेटा, भारत में यह क्षति निवारण अधिनियम 1929 में राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, भारत की बात कर रहा हूं। तो 1929 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक के समय में इसको कानूनी रोक लगा दी गई थी, ठीक है ना, विलियम बेंटिक के शासनकाल में। लेकिन बात यहां पे आ रही है कि राजस्थान सरकार के द्वारा सती निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1987 ईस्वी में राजस्थान में सती निवारण अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। इस समय राजस्थान में एक अंतिम सती हुई थी, और अंतिम सती मानी जाती है सीकर के देवराला गांव की रूपकवर को। सीकर के देवराला गांव की रूपकवर जब अंतिम सती हुई, इस कानून के बाद में सती हुई, 1929 में बन गया, यहाँ 1987 की बात है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने 1987 में क्षति निवारण अधिनियम को कठोरता से लागू कर दिया गया था। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि तनसुख, दुताई, कानो, डगला, गाबा, गदर, गिरजाई, डोड़ी आदि किसके नाम है, ठीक है। ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे कि तनसुख है, दुताई कानो है, डगला है, गाबा, गदर, गिरजाई, डोड़ी किसके नाम है बेटा। तो ये किसके नाम आते हैं, आपके अंगरखी के नाम आते हैं। और ये अंगरखी जो है पुरुषों के द्वारा पहने जाना वाला एक ऐसा वस्त्र होता है जिसको शरीर के ऊपरी हिस्से पर, यानी कि कुर्ते नुमा वस्त्र होता है, जिसे बगल में तनियों से बांधा जाता है। तो तनियों से बांधते हैं तो इसे तनसुख भी कहते हैं। तो इस अंगरखी के ही ये उपनाम आपको मिलते हैं, तनसुख, दुताई, कानो, डगला, गाबा, गदर, गिरजाई, डोड़ी। ये तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट जो आंसर है वो यानी कि आपको यहां पर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डूंगर शाही ओढ़निया कहां की प्रसिद्ध है। फटाफट से आप इसका आंसर ले सकते हैं कि डूंगर शाही जो ओढ़निया है ये कहां की प्रसिद्ध है राजस्थान में। अब डूंगर शाही ओढ़निया डूंगरपुर की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की, हाड़ौती की, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो बेटा ध्यान रखना, कहीं ये नहीं करना है आपको कि डूंगर शाही है तो डूंगरपुर की हो गई, नो। डूंगर शाही ओढ़नी कहां की प्रसिद्ध है बेटा, जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा
वो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो बी है वो आपको यहाँ पर मिलता है कि डूंगर साई जो ओढ़निया है वो डूंगरपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है ना, कहीं डूंगरपुर देख के डूंगर साई ओढ़नी कर दें आपको आंसर मिलना है तो जोधपुर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, रीट लेवल वन और लेवल टू के नए जो बैच हैं वो भी अपन स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, और नए बैच जो है वो सोमवार से स्टार्ट हुए हैं और अगले सोमवार से नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो परिष्कार को ज्वाइन कर सकते हैं। परिष्कार शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है और यहाँ क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाता है। तो आप बेझिझक होके अपने बैचों के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, नंबर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप अपना संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस पर्व को कलंक चौथ भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, मेले त्योहारों से प्रश्न है कि कौन सा ऐसा पर्व है जिसको कलंक चौथ भी कहा जाता है। तो कलंक चौथ के नाम से कौन से त्योहार को जाना जाता है, गणेश चतुर्थी को जाना जाता है, करवा चौथ को जाना जाता है, बलक चौथ को जाना जाता है, तिल चौथ को जाना जाता है, अनुत्तरित प्रश्न है। तो कलंक चौथ कहते हैं बेटा बलक चौथ को, याद रखेंगे ना, तो कलंक चौथ बलक चौथ को कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका यहाँ पे आपको करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहते हैं इसके बारे में और देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मेला, ध्यान रखिएगा ये चार मेले आपको दिए हुए हैं, तीन चार, कि निम्न में से कौन सा मेला है जो अमावस्या को आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, कि कौन सा मेला है जो अमावस्या को आयोजित किया जाता है। तो कौन सा मेला है ये अमावस्या, अमावस्या को देखो, घोटिया अम्बा का मेला ये भी अमावस्या को लगता है, विक्रमादित्य का मेला ये भी अमावस्या को लगता है, बाबू जी का मेला ये भी, और ये सभी के सभी जो है बेटा ये कौन सी अमावस्या को लगते हैं। तो ये भाद्रपद अमावस्या को लगते हैं, ध्यान रखना है ना कि कौन सी अमावस्या को लगते हैं, ये भाद्रपद की जो अमावस्या है उसको लगता है। तो ये उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि ये सभी जो मेले हैं वो भाद्रपद अमावस्या को आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, चौतन बाड़मेर में प्रति 12 वर्ष में भरने वाला विशाल मेला जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थली रूप कहा जाता है वो कौन सा मेला है। तो याद रखिएगा, चौतन बाड़मेर में कौन सा ऐसा मेला लगता है जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थली रूप कहते हैं। तो कानन गैर मेला है बेटा, रणछोड़ राय का मेला है, कपालेश्वर महादेव का मेला, या ब्रात्रा माता का मेला, कौन सा, या अनुत्तरित प्रश्न है। तो याद रखना है इसमें ऑप्शन सी जो है वो चौतन बाड़मेर में यानी कि मेला लगता है कपालेश्वर महादेव का, और हर 12 वर्ष में लगता है, और इसी कारण इसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि मीणा जनजाति में प्रचलित नाता विवाह, ध्यान रखिएगा कि मीणा जनजाति में प्रचलित जो नाता विवाह है दूसरे पति द्वारा पहले पति को मुआवजा देना पड़ता है, यानी कि अगर कोई नाता विवाह करता है तो जो दूसरा पति यानी नया जो पति है उसको पहले पति यानी पुराने पति को कुछ मुआवजा देना पड़ता है, इस मुआवजे को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो मुआवजा दिया जाता है बेटा, इस मुआवजे को क्या कहा जाता है, तो उसे मोताना कहते हैं, छेड़ा फाड़ना, झगड़ा राशि, छापा, अनुत्तरित प्रश्न। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि मीणा जनजाति में प्रथा प्रचलित है और इस प्रथा को झगड़ा राशि के नाम से जाना जाता है, कि जब भी कोई महिला अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती और वो किसी दूसरे पति के साथ रहना चाहती है तो सबसे पहले एक पंचायत बिठाई जाती है, और उस पंचायत में यदि उस महिला का पति उस महिला के साड़ी का पल्लू चीर दे तो समझो उनका तलाक जो है वो हो जाता है, तलाक मान लिया जाता है। इसके बाद में वह महिला अपने सिर पर पानी की एक जेगर रखती है और चलती है, और जब जो दूसरा जो पति जिसके साथ रहना चाहती है वो उसकी जेगर को अपने घर के दरवाजे पर आते ही उतार लेता है तो वो उसके घर में प्रवेश करती है और अब वो उसके साथ रहती है। लेकिन नए वाले पति को पुराने वाले पति के लिए कुछ राशि देनी पड़ती है, और उस राशि को क्या कहा जाता है, उस राशि को झगड़ा राशि कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मान लिया जाता है। तो ये आपका आज का यहाँ तक प्रश्न था। ठीक है, ये आपके व्याख्याता
पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड जो कॉमर्स का, ठीक है, वाणिज्य विषय से है वो भी, यानी कि नया जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई भी स्कूल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वाणिज्य विषय के साथ यानी कि करना चाहता है तो भी यानी कि दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सीरीज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की है, और मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। और तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ बेटा विदा, मिलते हैं। जब तक आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए, आप तंदुरुस्त रहिए, अपनी जो तैयारी है उसको दुरुस्त रखिए, सफलता जो है वो निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। तो मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम शाह, धन्यवाद।